तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप मंत्रा आईडी सर्विस में आप किस प्रकार से रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि मात्र इसमें 118 रुपए लगता है। आपको किसी अदर साइट से बिल्कुल भी जाकर नहीं करना है। यदि आप किसी अदर साइट से जाकर किए तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी और आपका ज़्यादा पैसा कटेगा, आपका नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको एक ऐसी साइट बताऊँगा जिसके माध्यम से मात्र आपका 100 रुपए लगेगा दोस्तों। जी हाँ, मात्र 100 रुपए और 18 रुपए जीएसटी चार्ज लगेगा दोस्तों। तो मतलब टोटल 118 रुपए लगने वाला है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मंत्रा आईडी सर्विस के जो भी जरूरी ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना दोस्त। आप देख लेंगे एक बार कि अपडेट है कि नहीं। यदि अपडेट नहीं होंगे तो आप अपडेट कर लेंगे दोनों। उसके बाद अपने फोन या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो कुछ भी आपके पास है उसमें आपको सीधा गूगल क्रोम खोल लेना है और वहां पर आपको सर्च करना है सर्विको मंत्रा रिचार्ज। इतना लिखकर सर्च कर देना दोस्तों। जैसे इतना सर्च करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं सर्विको की सबसे ऑफिशियल साइट, जो मंत्रा की ऑफिशियल साइट है, वो देखने को मिलेगी। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपको कस्टमर केयर में बात करना है तो आपको ऊपर नंबर भी शो हो रहा होगा। आप यहां से डायरेक्ट बात करके आपको जो भी समस्या है वहां से पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपली आरडी सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आरडी सर्विस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर जो भी जानकारियां हैं सब कुछ ए टू जेड फिलअप कर लेना है। यहां पर आपको शॉप नेम, यहां पर मोबाइल नंबर, यहां पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट पर्सन, मतलब दूसरा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालें या फिर ना डालें कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 7 अंक का सीरियल नंबर होता है तो वो डाल लेना है आप लोगों को। और यदि आपको किसी कारणवश आपका सीरियल नंबर मंत्रा आईडी सर्विस में नहीं दिख रहा है, यदि मिट गया दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि मंत्रा आईडी सर्विस का जो ऑफिशियल ऐप होता है उसमें आपको बायोमेट्रिक लगा लेनी है। और तो आप देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पर मंत्रा आईडी सर्विस का सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सीरियल नंबर डालकर सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि आपको यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा और ये जो पैसा कट रहा है आपका नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं होगा आपका। तो आपको सिंपली यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है आपका। यदि आप विथ वारंटी करेंगे तो आपका 150 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा दोस्तों। आपको सिंपली एक साल के लिए टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट 100 रुपए और जीएसटी चार्ज 18 रुपए लग रहा है। टोटल अमाउंट आपका 118 रुपए यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आपको कंट्री नेम डाल लेना है, यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर सिटी नेम डाल लेना है। यहाँ पर आपको होम एड्रेस डाल लेना है दोस्तों और यहाँ पर अपना पिन कोड डालकर पे पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यदि आपको कुछ भी फिलअप करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। आप जैसे ही सब कुछ डिटेल डालकर सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आप किस पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा UPI, तो आपको सिंपली UPI पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप UPI पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा कोने में जनरेट QR, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली अपना फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम कुछ भी आपको खोल कर सिंपली इस QR कोड पर पेमेंट कर देना है 118 रुपए। तो आपका यहाँ से मंत्रा आईडी सर्विस का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा कम्प्लीट, आपकी सर्विस तुरंत चालू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पेमेंट हुआ नहीं कि वहाँ की सर्विस चालू हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपका मंत्रा आईडी सर्विस रिचार्ज कंप्लीट हो गया दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीट हो गया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट में बताइएगा कि आपका मंत्रा आईडी सर्विस रिचार्ज हो पाया या फिर नहीं हो पाया है। और यदि आपको रिचार्ज करने में कोई समस्या आती है तो आप हमको वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।